हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलजिंदर सिंह, यू आर मैथ टीचर। हाउ आर यू बेटा? होप यू ऑल आर फाइन। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी वर डूइंग एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जस्ट रिवाइज करते हैं जो मेथड को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ 7.2 में। कौन सा मेथड हम यूज कर रहे थे? तो मेथड का नाम था बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जनरल फॉर्म क्या थी बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ सपोज ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स। नाउ बेटा, और वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल पावर एन डी एक्स। हेयर एफ एक्स इज एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। सपोज बेटा, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल पावर 9 इंटू 2x प्लस 5। नाउ फर्स्टली बेटा, वी विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू यू। डेरिवेटिव बोथ साइड वी गेट 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। देन बेटा, पुट हेयर वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू यू होल पावर 9 बेटा एज इट इज। नाउ यू रेस्ट पावर 9 इंटू डी यू, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यू रेस्ट पावर 10 अपॉन 10 प्लस सी। नाउ बेटा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ यू, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होल पावर 10 अपॉन 10 प्लस सी आंसर। तो यही बेटा कर रहे थे हम सब्स्टिट्यूशन में, उस चीज को पुट करना है बेटा जिसका डेरिवेटिव आपको मिल रहा है, जहाँ जो चीज बेटा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिस मींस जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको। सपोज ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स सॉरी एक्स। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ हेयर बेटा एंगल इज लॉग एक्स, ऑल्सो बेटा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, वो भी मेरे पास है। तो सिंपल है बेटा, लॉग एक्स को पुट कर दो, लॉग एक्स इज इक्वल टू यू 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। वी गेट सीकेंड स्क्वायर यू डी यू। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर यू इज इक्वल टू टेन यू प्लस सी एज इट इज। अगेन बेटा, रिटर्न द वैल्यू ऑफ यू, वी गेट टेन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी आंसर। क्लियर बेटा? बेटा 20 तक तो उस दिन ही क्वेश्चन कर लिए थे, मैं रैंडमली क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। उसके बाद 20 के बाद 37 टोटल क्वेश्चंस हैं। तो एक ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये भी ट्राई कर रहे हैं। ई रेज टू पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, नाउ बेटा हियर ई रेस्ट पावर एम टेन इनवर्स एक्स, तो ई की पावर सिंपल नहीं है, और जो पावर है बेटा एम टेन इनवर्स एक्स उसका डेरिवेटिव है मेरे पास। तो मैं एम टेन इनवर्स एक्स को पुट कर रहा हूं यू, डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा एम इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन एम। तो वैल्यू बेटा इंटीग्रल में रिटर्न करेंगे, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर यू बेटा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन एम, जो एम है बेटा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद निकाल देंगे। ई रेज टू पावर यू की इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर u प्लस सी, जो बेटा m था वो एज इट इज।
then beta return the value of u, we get 1 by m e raised to power m tan inverse x plus c answer. Beta, next question, integration of e raised to power 2x minus 1 upon e raised to power 2x plus 1. Now beta, divide by e raised to power minus x, or sorry, x divide by e raised to power x. We get integration of e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x plus e raised to power minus x dx. Clear beta? Now put e raised to power x plus e raised to power minus x is equal to u. We get derivative करेंगे तो बेटा e raised to power x as it is plus e raised to power minus x का derivative बेटा e raised to power minus x into derivative of minus x that is minus 1. We get e raised to power x minus e raised to power minus x into dx is equal to du. Now बेटा return the value in integral, we get du upon du. Answer is log u plus c. Now beta u ki value return kar do, we get log of e raised to power x minus sorry plus e raised to power minus x plus c answer. Clear beta? To kuch question beta iske hain, theek hai, aap try kar lena. Agar phir bhi koi doubt ho to ek aadha question aur try karte hain. But next question, integration of root tan x upon sin x into cos x. We can write root tan x as it is. And बेटा जो denominator है इसको मैं cos x से divide कर रहा हूँ, cos x से multiply कर रहा हूँ. We can write sin x by cos x into cos square x, cos square x dx. क्योंकि बेटा यहाँ पे cos की एक power थी, यहाँ पे बेटा मैंने पावर डबल कर दी और नीचे एक पावर रख दी. ऐसा कर सकता हूँ, कैंसिल करने पे वही सेम मिलेगा. इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा बेटा, ऊपर जो रूट टेन एक्स है वो एज इट इज, नीचे बेटा साइन एक्स बाई कोज एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू जो बेटा नीचे कोस केयर है, कोस केयर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan root of tan x by tan x, we get 1 by root of tan x into secant square x dx. Now tan x ko beta put kar do, tan x is equal to u, we get secant square x dx is equal to du. Therefore integral kya ban jayega beta, integration 1 by root u into du. इसकी जगह पे बेटा du और tan की जगह पे u, तो root u. We can write u raised to power minus half du. By integrating we get u raised to power half upon half plus c. तो 1 by 2 जो बेटा नीचे है वो पलट के ऊपर 2 चला जाएगा. u की वैल्यू क्या है बेटा, tan inverse sorry tan x, half पावर है तो उसका मतलब रूट है बेटा, प्लस सी आंसर. क्लियर बेटा? तो दिस टॉपिक कवर योर बेटा एक्सरसाइज 7.2. ट्राई रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.